गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांग्या एंड वेलकम्स यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बच्चों, मैंने अगले लेक्चर में आपको क्या सिखाया था? राइट, मैंने आपको अगले वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 चतुर रेखा, मतलब कि जो वो कहानी थी ना रेखा वाली, वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी बच्चों। तो उस कहानी में क्या आया था बच्चों? यस, मैं आपको वो पूरी की पूरी कहानी याद फिर से एक बार रिवाइज करके बताती हूँ। राइट, तो उस कहानी में एक रेखा नाम की लड़की थी, बिल्कुल छोटी थी वो, आप जीत नहीं थी, थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी बच्चों, और वो पढ़ाई में बिल्कुल होशियार ही थी। पर वो उसका स्वभाव कैसा था बच्चों? वो नटखट थी। तो एक दिन क्या होता है, उसको स्कूल जाना था, तो उसको एक दिन वो देरी से उठी, तो उसे स्कूल जाने में देर हो गई, और उसकी मम्मी को भी जॉब पर जाना था। तो फिर क्या होता है, घर से वो 500 रुपये की नोट लेती है और अपने पॉकेट में डाल देती है। फिर वो जल्दी जल्दी चलकर स्कूल जा रही थी पैदल। फिर क्या होता है बच्चों, एक तो उसे देरी हुई थी, ऊपर से उसकी सहेलियाँ भी सब चली गई थी, और उसे अकेला ही जाना पड़ा। तो क्या होता है, उसकी सहेलियाँ तो सब चली गई होती है, तो रेखा को क्या होता है कि उसकी जो सहेलियाँ है वो चली गई है, तो अब वो अकेले कैसे जाए? तो वो चल ही रही थी, रास्ते में उसे एक नाश्ते की दुकान दिखी बच्चों। तो उस नाश्ते की दुकान पे जाके उसने कुछ खाने के लिए नाश्ता खरीदा, तो तभी उसके पॉकेट से 500 रुपये की नोट गिर जाती है। तो उसका ध्यान तुरंत ही पड़ जाता है उस नोट पर, तो वो क्या करती है, उठाकर फिर से अपने पॉकेट में डाल देती है। तभी एक आदमी ये सब कुछ देख रहा था बच्चों, कि रेखा ने ये नोट गिराई फिर उठाई। तब से लेकर जब तक वो स्कूल ना पहुंच जाती, तब तक वो आदमी उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में अचानक रेखा को रियलाइज हुआ, मतलब कि महसूस हुआ कि ये आदमी कब से मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ये जब मैं दुकान पर थी ना, वहाँ नाश्ता ले रही थी ना, तब से ये मेरे पीछे आ रहा है, क्या होगा? फिर भी वो हिम्मत नहीं आती, मन में डर तो था पर हिम्मत नहीं आती। फिर उसने क्या किया, सिग्नल बीच रोड पर पहुंच जाती है, तब उसने सिग्नल देखा, वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। वो पुलिस वाले के पास जाती है, पुलिस वाले के पास जाकर वो क्या करती है बच्चों? यस, आपको तो पता ही है, पुलिस वाले के पास जाकर वो उसे बातें करने लगती है, मतलब कि उसे पहले ये पूछा समय क्या हुआ है, तो थोड़ी देर बातें करती है ना, तो चोर डर कर चला जाता है। उसे लगता है कि रेखा उसकी शिकायत करने उस पुलिस वाले से बात कर रही है, तो चोर तो डर कर चला जाता है। फिर रेखा ने देखा कि वो चला गया, तो वो पहले तो उसकी शिकायत करने ही गई थी, पर देखा कि वो चला जा रहा है, तो फिर कुछ कहा नहीं, चली गई खुद भी। फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है, तब अपनी सहेलियों को रास्ते में सारी बातें बताती है कि आज घर से स्कूल आ रही थी, तो रास्ते में ये सब घटना घटे। राइट बच्चों, तो इस प्रकार रेखा ने बुद्धि का उपयोग करके उस चोर को, मतलब कि वो बुरे आदमी को भगा दिया। अपनी बुद्धि का उपयोग किया ना बच्चों? यस, तो उसने जैसे बुद्धि का उपयोग किया, वैसे हम भी अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे ना अब। यस, अब हम एक्सरसाइज लिखेंगे, आपको इसमें क्वेश्चन आंसर और ग्रामर के कुछ टॉपिक सब कुछ दिया जाता है बच्चों। आपको इस टेक्स्ट बुक को ही ज़्यादा महत्व देना है, इसी में से मैंने एग्ज़ाम के पेपर भी निकाले हैं, अभ्यास पुस्तिका में से भी थोड़ा थोड़ा लिया है, पर ज़्यादातर मैंने टेक्स्ट बुक में ये जो चैप्टर है ना, उसके अनुसार ही लिया गया होगा। राइट बच्चों, तो आपने कहानी समझी है, तो आपको लिखना भी तो आएगा ही 100%। राइट, तो अब क्या करना है बच्चों? यस, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में क्या आता है पहला बच्चों? यस, अभ्यास में बोलने की बारी और लिखने की बारी, ये दोनों हम अपनी CW में लिखते हैं, जो हमने 100 पेज की डबल लाइन की बुक बनाई है, उसी में हम ये सब कुछ लिखते हैं। राइट बच्चों, तो अब हम बोलने की बारी में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि रेखा किस कक्षा में पढ़ती थी। ये तो बहुत आसान है बच्चों, रेखा तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। राइट बच्चों, रेखा तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। आप दूसरी कक्षा में होते मत लिख देना कि रेखा भी दूसरी कक्षा में थी। हाँ, रेखा तीसरी कक्षा में थी। राइट बच्चों, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब है दूसरा क्वेश्चन, रेखा पुलिस वाले के पास क्यों गई। ये तो आपको मैंने बताया ही था बच्चों, याद भी होगा आपको कि रेखा पुलिस वाले के पास जानबूझकर गई। जानबूझकर उसके पास जाती है ताकि वो चोर था वो उसका पीछा कर रहा था, वो डर कर चला जाए, इसलिए वो जानबूझकर पुलिस वाले के पास जाती है और उसके पास जाकर वो समय क्या हुआ वो पूछने लगती है। राइट बच्चों, तो ये जो बोलने की बारी और लिखने की बारी के जो जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, वो आपको इस कहानी के आधार पर ही दिए गए हैं। राइट, तीसरा दिया गया है, दिए गए शब्दों को जोर जोर से पढ़, दिए गए शब्दों को जोर जोर से पढ़ना है बच्चों। होशियार, नौकरी, आखिरी, हिम्मत और क्षमा, ये पांचों के पांचों वर्ड आपको दिए गए हैं। मतलब कि इसको जोर जोर से पढ़ने के लिए क्यों कहा गया बच्चों, इसको जोर से पढ़ना इसीलिए है कि जब हम पढ़े तब उसका प्रोनाउंसिएशन मतलब कि इसका उच्चारण कैसे होता है वो हमें मालूम हो। राइट बच्चों, हमें अपने जारे पर कोई वस्तु वाचिए छे बराबर, त्यारे आपने बधा अक्षरो समझता आवड़े छे, लखता आवड़े छे बराबर। मन में जारे समझाए त्यारे तो आपने वाची सकिए छे ने बराबर, मन में खबर न हो क्या ने कहो कहवाई तो आपने वाची कई रीतना। राइट बच्चों, एटले आपने दर वक्ते आपणी टेक्स्ट बुक में आवो के क्वेश्चन आपेलो जोई छे के आने वाचो अने आने लखो ने समझो। राइट, तो आ पांच शब्द आपा छे जेने लीधे तमे तमारा वोकेब्युलरी मतलब के तमारा शब्दार्थनुं जे ज्ञान भंडोळ छे एमां वधारो करी शको। राइट, फिर चौथा दिया गया है, व्यक्ति रेखा का पीछा क्यों कर रहा होगा, सोचकर बताओ। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो रेखा अकेली जा रही थी, ऊपर से उसको देरी हो रही थी, ऊपर से उसके पास पैसे थे। तो बच्चों, दो तीन रीज़न हो सकते हैं। एक तो वो आदमी चोर होगा तो शायद उसके पास से छोटी बच्ची जानकर उसके पास से पैसा चुराने का उसका मन हो, क्योंकि उसकी नोट गिर गई थी, वो उस आदमी ने देख ली थी बच्चों कि जब वहाँ रेखा नाश्ता लेने जाती थी दुकान पर तब उसके पॉकेट से वो 500 रुपए की नोट गिर जाती है तो उठाकर फिर से अपने पॉकेट में डालती है। ये सारी बातें उस चोर ने देख ली तो शायद वो चोरी के इरादे से ही आया होगा। राइट, तो एक रीज़न ये हो सकता है, एक रीज़न ये हो सकता है कि उसको बच्ची जानकर उसको उठाकर कहीं पे किडनैप करने का भी उसका मन हो। राइट बच्चों, किडनैप करके उसको रख दे फिर उसके पापा को फोन करके उससे ज़्यादा पैसा मांग ले, ऐसा भी उसके मन में आ रहा होगा। राइट बच्चों, ये कई सारी बातें हो सकती है, पर हमारा 100% डाउट तो किस चीज़ पर जाता है कि वो पहले तो चोर ही होगा क्योंकि उसका पैसा गिरा था तो वो उसने देख लिया था और उसको चुराने का जी कर रहा होगा। राइट बच्चों, तो इसीलिए ही वो व्यक्ति उस रेखा का पीछा कर रहा था। राइट, कि उसको वो पैसे चाहिए थे, और भी रीज़न हो सकते हैं बच्चों। राइट, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर टू। यस, हमने बोलने की बारी समझ ली, अब हम लिखने की बारी समझेंगे बच्चों। राइट, तो लिखने के बारे में भी तीन क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। पहला दिया गया है, रेखा के दो गुण लिखो। बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि रेखा में दो गुण थे। कौन कौन से गुण थे बच्चों? कि रेखा एक तो पढ़ने में बहुत होशियार थी और सदा कक्षा में प्रथम आती थी। राइट, तो एक तो होशियार थी और ऊपर से उसका ऑलवेज फर्स्ट रैंक आता था, मतलब कि दरेक वक्त एनो पहलो ज नंबर आवतो हतो, ए भणवामां पण बिलकुल होशियार हती। राइट, बीजो गुण हतो कि बहु नटखट हती, मतलब के बहु नटी एनो स्वभाव हतो। राइट, एकदम तोफानी स्वभावनी हती, वो नटखट भी थी, वो होशियार भी थी और कक्षा में हरदम पहले रैंक पर आती। बच्चे, एक गुण हम अपने से भी लिख सकते हैं कि रेखा बहुत बुद्धिमान भी थी। राइट बच्चों, तो ये रेखा के हमने तो दो तीन गुण देख लिए, पर आपको तो सिर्फ दो ही लिखना है बच्चों, दो तो याद रह जाएगा। एक रेखा बुद्धिमान थी, एक रेखा पढ़ने में बहुत होशियार थी, और तीसरा
रेखा नटखट भी थी। यस, तो बच्चों पहला समझ में आ गया। यस, दूसरा, स्कूल जाते समय रेखा ने पैसे किस लिए रखे थे बच्चों? यस, ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन है कि स्कूल जाते समय रेखा ने पैसे अपने पॉकेट में इसलिए रखे थे क्योंकि आज स्कूल की फीस पे आज स्कूल की फीस पर जमा करने का आखिरी दिन था, इसीलिए रेखा ने 500 रुपये अपनी जेब में डाले थे। राइट बच्चों, आज स्कूल की फीस भरने का आखिरी दिन था, इसीलिए रेखा ने पैसे घर से लिए थे। राइट बच्चों, दूसरा समझ में आ गया। यस, रेखा ने अध्यापक से क्षमा क्यों मांगी बच्चों? यस, ये भी बताया था कि रेखा ने अध्यापक से क्षमा इसीलिए मांगी क्योंकि आज उसको स्कूल पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई है। क्यों हो गई है वो तो आप जानते ही हो, पहले तो वो थोड़ी लेट थी ही, पर ज़्यादा लेट इसलिए हो गई क्योंकि आज उसकी मुलाकात एक चोर से हो जाती है। फिर उस चोर को भगाने के लिए वो तरकीब सोचती थी कि क्या कैसे भगाओ उस चोर को, तो रास्ते में जो सिग्नल पे एक पुलिस खड़ा था ना उससे बातें करने लगती है, तो बातों बातों में चोर चला जाता है, उसको चला जाता है देखकर वो खुद चली जाती है, पर तो इसी दौरान उसको स्कूल पहुंचने में देरी हो जाती है बच्चों, तो इसीलिए वो स्कूल पहुंचकर पहले अध्यापक से क्षमा मांगती है। राइट बच्चों, समझ में आ गया हमारी लिखने की बारी का क्वेश्चन आंसर? यस, अब से मैं जब तक पढ़ूँ तब तक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में ही फिल करने हैं। राइट बच्चों, मतलब कि आ बधुँ तमारे तमारी टेक्स्ट बुक में ज लखवानुं रहेशे। हवे हूँ बोलूँ ए बधुँ अने आ बे क्वेश्चन आंसर हता कि बोलने की बारी लिखने की बारी ए तमारे तमारी CW में लखवाना होय छे। राइट, यस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 के सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। उसमें पहला दिया गया है कि रेखा पाठशाला आना जाना किस प्रकार करती थी। बच्चों वो किस प्रकार से स्कूल आती थी जाती थी, मतलब उसके पास कोई मीडियम तो होना चाहिए ना आने जाने का। राइट, व्हीकल से जाती थी, बस से जाती थी, कार से जाती थी, रिक्शा से जाती थी, किससे जाती थी बच्चों? अपने पाँव से, तो उसमें लिखना होगा पैदल। राइट, तो जहाँ पे पैदल लिखा है ग, उस पे आपको राइट का चिन्ह लगाना है। यस, समझ में आ गया बच्चों क्या करना है? ये MCQ टाइप दिया गया है। राइट, मैं आपको एग्जाम में MCQ चैप्टर में से कहीं से भी पूछ सकती हूँ, पर बच्चों आपको आना चाहिए। चार ऑप्शन दिए ही गए होंगे बच्चों, पूरा का पूरा पेपर होगा वो ऑप्शनल ही होगा, मतलब कि उसमें सब ऑप्शन दिए ही गए होंगे, पर आपको सही ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। राइट, दूसरा, पुलिस वाला कहाँ खड़ा था? कहाँ खड़ा था बच्चों? चौराहे पर खड़ा था, सड़क के किनारे खड़ा था, कि सिग्नल के पास खड़ा था? कहाँ खड़ा था बच्चों? चौकी के पास खड़ा था? नहीं बच्चों, वो पुलिस वाला एक सिग्नल के पास खड़ा हुआ था। जो पुलिस वाला था वो रोड पे जो सिग्नल होते हैं ना बच्चों, रेड ग्रीन येलो जैसे सिग्नल होते हैं, वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा था, मतलब कि सिग्नल के पास, तो ख में आएगा राइट। राइट बच्चों, अब आता है पेज नंबर 36 पे हमारा भाषा संसार, मतलब कि हमारा ग्रामर टॉपिक। यस, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पढ़ो समझो और याद करो। उसमें क्या करना है बच्चों? मैंने अभी एक क्वेश्चन था ना कि पढ़ो समझो और जोर जोर से पढ़ो, तो वही वाला है कि विद्यालय, तो ये सारे सिमिलर वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको पढ़ना है, समझना है और याद रखना है। सिमिलर वर्ड्स मतलब कि समानार्थी शब्दों। राइट, एमां पहलो आपेलो छे विद्यालयनो अर्थ थाय छे के पाठशाला अने स्कूल। घर मतलब के आवास अने मकान। सहेली मतलब के मित्र अने दोस्त। अध्यापक मतलब के शिक्षक अने गुरु। राइट, आने तमारे खाली याद रखवानुं छे, आ बधा समानार्थी शब्द छे। ये सभी समान अर्थ वाले शब्द है, इन्हें पर्याय भी कहते हैं, मतलब कि एक दूसरे के पर्यायवाची है, मतलब कि एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं, तो उसे कहते हैं समानार्थी शब्दों, पर्यायवाची शब्दों, सिमिलर वर्ड्स। राइट, आ त्रणेयनो मीनिंग एक ज थयो। यस, समझाई गयो बाळको? हवे आवे छे क्वेश्चन नंबर 2। बहुवचन रूप लिखो।
बहुवचन का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया ही था कि ये जब एक बॉक्स होता है तो ये एक वचन कहलाता है, पर यहाँ पे कई सारे बॉक्स दिखाई दे आपको तो वो बहुवचन बन जाता है, राइट? एक से ज्यादा मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 2 अनगिनत, राइट बच्चों? तो उसे कहते हैं बहुवचन। जहाँ पे एक चीज का उल्लेख किया गया हो उसे कहते हैं एक वचन, और एक से ज्यादा चीज मतलब कि दो या उससे ज्यादा चीजों को संख्या दी जाती है तो उसे कहते हैं बहुवचन। यस, वो तो आपको आता ही है बच्चों, आपके लिए तो आसान हो गया। अब तो एक वचन बहुवचन अपने सभी लिख सकते हो। हाँ, जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, जेब तो जेबे, मतलब कि एक खींचू तो जाजा बता खींचाओ, आपने जाजा बता खिस्सा हो इतने, हमें तो जीन्स में कटला बता पॉकेट आवे छे, राइट? एक अँ साइड में, एक आ साइड में, एक पाछड़ बीजी साइड, जाजा बता पॉकेट आवे छे, मतलब कि एक जेब तो कई जेबे, राइट? दुकान तो दुकाने, सहेली सॉरी दुकान तो दुकाने, फिर सड़क तो सड़के, बात तो बाते, राइट? तो यहाँ पे बहुवचन में क्या लगाना था बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। बहुवचन बच्चों देखना, यहाँ पे दिया गया है जेब और उसका अर्थ दिया गया है जेबे, राइट बच्चों? तो यहाँ पे सारे में ऐसे ऐसे लगाना है, राइट? तो ये एग्जांपल जैसे दिया गया है वैसे ही हमें सब कुछ यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे दूसरा पार्ट दिया गया है बच्चों, राइट? तो यहाँ पे दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरे पार्ट में हमें करना है सहेली दिया गया है बच्चों, तो सहेली तो सहेलिया, सहेली तो सहेलिया। देखो बच्चों यहाँ पे दीर्घ ई था, तो जब बहुवचन आता है तो ये दीर्घ ई निकल जाता है और ह्रस्व ई हो जाता है, और यहाँ पे चंद्र बिंदु भी कंपलसरी लगानी है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि ये निशान लगाना है, राइट? यहाँ पे एक मात्रा और अनुस्वर, यहाँ पे एक मात्रा और यहाँ पे एक लाइन और चंद्र बिंदु भी लगानी है, राइट बच्चों? तो ये बिल्कुल आसान है, बहुवचन बनाना बिल्कुल आसान होता है बच्चों, राइट? आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए कि किसका कैसे बहुवचन होता है। यस, सहेली तो सहेलिया, बोली तो बोलिया, बोली मतलब कि आपने जो बोली बोली है ना ए, राइट? नौकरी तो नौकरिया, टोली तो टोलिया। यस, तो अब हमारा बहुवचन का पाठ हो गया ना कंप्लीट। यस, तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि नए शब्द बनाओ। नए शब्द बनाने हैं मतलब कि पुलिस प्लस वाला, अटले आखो शब्द बनछे पुलिस वाला, राइट? यहाँ पे पुलिस प्लस वाला ऐसा दिया गया है, पर हमें उसको कंबाइंड करना है बच्चों। कंबाइंड करना मतलब कि उसको जॉइंट करना है, तो जॉइंट करने के लिए वो जो बीच में प्लस वाले साइन है ना उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटा दोगे तो दोनों शब्द एक हो जाएंगे, राइट? दो अलग अलग शब्दों को एक साथ लगाना है, एक साथ जोड़ देना है, राइट? तब बन जाता है नया शब्द, गाड़ी प्लस वाला, तो क्या हुआ गाड़ी वाला। देखो बच्चों एक एग्जांपल आपको मैं एक बार लिख कर दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसका सेकंड। फर्स्ट का तो आंसर दे ही दिया है पुलिस, तो पुलिस वाला। फिर गाड़ी प्लस वाला, गाड़ी प्लस वाला, तो यहाँ पे दिया गया है गाड़ी वाला, राइट बच्चों? यहाँ पे हमें बिल्कुल स्पेस रखनी ही नहीं है, ये साथ ही में लिख देना है, राइट बच्चों? तो ये प्लस था वो निकल जाता है, ये दोनों शब्द साथ हो जाए, तो समझ में आ गई बात बच्चों क्या करना है। यस, सब्जी प्लस वाला, तो ये जो प्लस था वो निकल जाएगा, सब्जी वाला बन जाएगा। गाने प्लस वाला, तो गाने वाला। पढ़ने प्लस वाला, तो पढ़ने वाला। लिखने प्लस वाला, तो लिखने वाला, राइट बच्चों? तो ये जो बीच में प्लस की साइन दी गई थी ना बच्चों, तो उसको आपको हटाना है,
हटाकर उस शब्द को ज्वाइंट कर देना है ना, बिल्कुल सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, कोई नए शब्द कहीं से यहीं तहीं से ढूंढने भी नहीं है, जो शब्द है उसको ज्वाइंट कर देना है और प्लस में से और बीच में से प्लस की साइन निकाल देनी है। राइट बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चों कि दिए गए शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़ना है, मतलब कि यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ना आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों, उसको आपको जोर जोर से पढ़ना है। जोर जोर से आप कैसे पढ़ सकते हो बच्चों? हाँ, मतलब कि ड दिया गया है तो ड से डर, फिर ड दिया गया है तो सस सडक। बच्चों हमारे व्यंजन में एक ये ड आता है, राइट, और उसके नीचे वो जो डॉट नहीं होता है और एक ऐसा आता है, ये ड होता है, राइट। तो ड से डर, स सडक मां पण ड आवे छे तो सडक, ढ से ढक्कन, ढ से पढ़ाई, फिर डाकिया तो जग, आडा शब्द ज वाचवाना छे बराबर। ड से डर, ड से डाकिया, फिर लूडो और डंडा, फिर ड दिया गया है तो उससे सडक, खड्डा, थोड़ा और घड्डी, ढ दिया है तो ढ से ढक्कन, ढ ढकना और ढलना, फिर ढ दिया गया है तो पढ़ाई, सीढ़ी और बढ़ई, मतलब कि जो देखो बच्चों यहाँ पे देख लेना, ये दो दो प्रकार के दिए गए हैं, राइट। तो उसमें से ये जो पहले वाला है, राइट, उसमें सभी शब्द इसी से शुरू होते हैं एक लूडो को छोड़कर, राइट बच्चों, और दूसरे वाले में सभी शब्दों में ये पहले कहीं नहीं आता है, राइट बच्चों, तो ये शब्दों के बीच बीच में आता है, राइट। तो ये तफावत आपको समझना है कि जब ये वाला आता है तो यह शब्द के बीच में आता है, राइट, और ये वाला होता है उससे शब्द की शुरुआत होती है। वैसा ही ढ में है बच्चों, राइट, जो इस प्रकार का ढ होता है उससे शब्द की शुरुआत होती है और इस प्रकार के ढ से वो शब्द में बीच बीच में आते हैं। यस, समझ में आ गया बच्चों? यस। अब पेज नंबर 37 पे दिया गया है सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ। उसमें क्या होता है बच्चों, एक्टिविटी होती है कि पहला दिया गया है कि इस कहानी को कक्षा में नाटक बनाकर अभिनय कीजिए, तो उसे पात्र दिए गए हैं कि रेखा, रेखा की माँ, दुकानदार, पीछे करने वाला आदमी, पुलिस वाला और अध्यापक। बच्चों आप लोग अभी यहाँ पे हो नहीं तो मैं आपको ये ड्रामा नहीं करवा सकती, तो ये एक्टिविटी हम नहीं कर सकते बच्चों, पर दूसरी एक्टिविटी है, देखो बच्चों, चित्र देखो और संवाद पूरे करो। उसमें उसके सर बोल रहे हैं, देखो बच्चों इस चित्र में ही देखो टेक्स्ट बुक में कि रेखा तुम्हें आने में क्यों देर हुई, फिर जो रेखा आती है यहाँ पे आप चित्र में देखो बच्चों, रेखा बोलती है कि सर क्योंकि पछी वो संवाद आपको पूरा करना है आपकी कहानी में से देख देख कर, राइट बच्चों। तो ये थी हमारी कहानी। यस, समझ में आ गई, कहानी भी समझ में आ गई और उसका अभ्यास भी समझ में आ गया ना बच्चों। अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नई कहानी के साथ और नए अभ्यास के साथ, राइट ना बच्चों। तो तब तक के लिए बाय बाय।